वन नेशन वन पोल ये बहुत महत्वपूर्ण सुधार होने वाला इस देश की चुनाव प्रक्रिया में। देश में बार बार चुनाव होने से समय की और धन की संसाधन की बहुत बड़ा व्यय होता है। दूसरा, बार बार कोड ऑफ कंडक्ट लगने से विकास भी बाधित होता है और देश की जनता वोटिंग जो करती है उसमें बहुत सारे कंफ्यूजन भी होते रहते हैं, राष्ट्रीय मुद्दों पर, स्टेट के मुद्दों पर और स्थानीय मुद्दों पर। वोटिंग का एक ही समय तय होना चाहिए और देश की जनता ने कई बार इसका क्षीर निर किया है, ऊपर अलग लोगों को वोट दिया है, नीचे अलग, आज भी होता है जहां साथ में चुनाव होते हैं। तो ऐसा भय रखे बगैर मैं तो अपील करता हूं सभी दल को कि मोदी जी ये जो नया विचार लेकर आए हैं वो देश की चुनाव प्रक्रिया में शुचिता भी स्थापित करेगा और उसका स्वास्थ्य भी अच्छा करेगा, तो इसका मदद करना चाहिए। यूसीसी भी हमारे देश के संविधान के अंदर जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स तय किए गए, क्योंकि उस वक्त ऐसी परिस्थिति नहीं थी कि यूसीसी लाया जाए, बहुत आपाधापी चल रही थी, तो संविधान सभा ने देश के विधानमंडल और संसद से अपेक्षा की कि उचित समय पर विधानमंडल और संसद इस देश में एक समान नागरिक कानून को लेकर आए। और मैं मानता हूं ये सभी चुने हुए लोगों का दायित्व था, मैंडेट था संविधान सभा में, जिसमें ज्यादातर सदस्य कांग्रेस के थे, मगर एपीसमेंट की पॉलिटिक्स करने के लिए ये लोग इसको छोड़ दिए। हम यूसीसी लेकर आए हैं, उत्तराखंड में लेकर आए हैं और हमने संकल्प पत्र में रखा है कि हम ये प्रयास करेंगे कि 5 साल में पूरे देश में यूसीसी लागू हो जाए।